जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप सभी लोग लास्ट तक बने रहना, इस वीडियो में जो लोग बिगिनर्स हैं वो लोग लास्ट तक बने ही रहना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए जो न्यू बिगिनर्स है या फिर बिगिनर्स है उन लोगों के लिए। वाईफाई सेटिंग कैसे करें, हमारे जो सेटिंग करने में ज़्यादा मिस्टेक होता है, तो हम जो बिगिनर्स होते हैं तो क्या करते हैं, पेंसिल्स जो हमारे पास, हम दोनों ही HB पेंसिल ही है, पहले तो ये बता दो, और ये है कटर। और तो हम जो पेंसिल यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, हम शार्पनर से हमें सेटिंग करना होता है, तो हम शार्पनर से सेटिंग शार्प करते हैं। तो इस तरीके का शार्प होता है और एक है इस तरीके का। तो यहाँ पे ये दोनों टाइप का पेंसिल है, पेंसिल तो एक ही है पर हमने दोनों टाइप को पेंसिल को एक से एक को शार्प किया है शार्पनर से, एक को शार्प किया है कटर से। तो ये कब काम आता है और ये कब काम आता है, तो हमें जब स्मूथ स्किन ड्रॉ करना हो, मतलब स्किन टेक्सचर ड्रॉ करना हो, तो आप हमें क्या किस तरह से सेटिंग करना है, इस पेंसिल का हमें यूज़ करना है। और खासकर जहाँ पर जैसे आउटलाइन ड्रॉ करना हो या फिर हेयर्स ड्रॉ करना हो, इस तरह से एक एक हेयर्स को, तब हमें जो है इस तरह का पेंसिल जो है, जो शार्प किया है हमने, उस पेंसिल का यूज़ करना चाहिए। ये दोनों ही HB पेंसिल है। और बाकी जब हम स्किन शेडिंग करें तो आपको पेंसिल को इस तरह से लेकर इस तरह का शार्प करना चाहिए। अब हमें शेडिंग कैसे करना चाहिए, यहीं पर लोगों को बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स का जो है ज़्यादातर मिस्टेक होता है। तो हम क्या करते हैं, शेडिंग जब करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम इस तरह से पेंसिल को लेकर इस तरह से शेडिंग करते हैं। अगर हम स्किन में इस तरह से करेंगे तो वो क्या होगा, ब्लेंड करने के बाद भी जो आपका स्किन टेक्सचर स्मूथ बन ही नहीं पाएगा, इसलिए हमें जो है इस तरह से शेडिंग नहीं करना चाहिए। और आप इस तरह, अगर आपने इस तरह से पेंसिल अगर शार्प किया है तो भी आपको पेंसिल को जो है बिल्कुल हल्के से आपके आप जिस तरह से नॉर्मली आप शेडिंग करते हो उससे कम से कम दो गुना कम जो है आपको शेडिंग करना है, बिल्कुल हल्के से, लगभग 30 डिग्री या फिर 40 डिग्री के, ये मान लो ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद हम इसलिए 60 डिग्री और इसके आधा लेंगे हम तो 30 डिग्री, तो आपको 30 डिग्री में इस तरह से लेकर शेडिंग करना है बिल्कुल हल्के हल्के से। तो हमने यहाँ पे शेडिंग किया, ये है डार्कली मैंने शेडिंग किया, और ये है इसका मीडियम, और ये है इसका भी हल्का, बिल्कुल सॉफ्टली हमें शेडिंग करना है। तो आपको इस तरह से शेडिंग करना है स्किन टेक्सचर अगर आप शेडिंग कर रहे हो तो। और ये तो वैसे इस पेंसिल ने करना, अगर आप सारे स्किन शेडिंग कर रहे हो तो आपको ये इस तरह से नहीं रखना है पेंसिल को, आपको इस तरह से शार्प कर लेना है। और यही हम इससे अगर आप स्किन टेक्सचर ड्रॉ करोगे, शेडिंग करोगे, तो काफ़ी जल्दी आपका स्किन टेक्सचर आप शेडिंग कर पाओगे। और उसके बाद आप कॉटन बार से हो सके तो आप ब्लेंड करोगे तो भी काफ़ी अच्छे से जो है स्किन टेक्सचर में, स्किन में जाए पेपर के ऊपर फैल जाएगा। और हम इस तरह से करेंगे तो ब्लेंडिंग करने के बाद भी यहाँ पे जो है दाग देख सकते हैं वो नहीं हट सकता। अगर आपको वीडियो में अच्छे से नहीं दिख रहा, नहीं दिख पा रहा तो मुझे माफ़ करना। और हम इस पेंसिल अगर आपको शेडिंग करना है, मतलब आप लोगों ने फर्स्ट लेयर अप्लाई किया, अब हम सेकेंड लेयर करेंगे, तो फर्स्ट लेयर में हमने तो बिल्कुल इस पेंसिल से भी हमें 30 डिग्री एंगल में लेना है और शेडिंग करना है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर हम जब ब्लेंड कर लेंगे उसके बाद आपको जो है इसी पेंसिल से थोड़ा मीडियम प्रेशर से, और आप नेक्स्ट टाइम जो है आप 45 डिग्री एंगल में लेकर इस तरह से शेडिंग करो। ये तो आप लोगों को समझ में आएगा, तो हमें इसलिए इस पेंसिल का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मैंने ये सब आर्ट ड्रॉ किया है तो इसमें भी मैंने इस तरह से कोशिश किया है कि शेडिंग करने की। और हेयर्स के ऊपर आप चाहें तो सीधे पेंसिल को 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री में लेकर आप एक एक हेयर्स को इस तरह से ड्रॉ करो। बाकी स्किन टेक्सचर में तो जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से, और यह भी है, और इसमें भी मैंने इस तरह से आप जो स्किन टेक्सचर दिख रहे हो, और अच्छे से करता तो और अच्छा होता, हमने फिर भी यहाँ पर जो कुछ कुछ खर्च दिख रहा है। तो इसमें जितना हम लेयरिंग करेंगे सीरियल में, जैसे HB में, HB के बाद 2B के बाद 4B के बाद 6B के बाद 8B, इस तरह से हम करेंगे तो और ज़्यादा स्मूथ स्किन टेक्सचर होता है। अगर हम क्या करते हैं, बिगिनर्स लोग एक बार शेडिंग करते हैं उसके बाद नए डायरेक्ट जो है HB के बाद डायरेक्ट 10B या फिर 8B ऐसा करोगे तो क्या होगा, हमारा जो है स्किन टेक्सचर फिर भी इतना स्मूथ नहीं होता, इससे और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही स्मूथ हो सकता था, पर हमने ऐसा नहीं किया। इसमें मैंने क्या किया था, HB के बाद 4HB के बाद 6B, इसके बाद इस तरह से मैंने किया डायरेक्ट, बीच में गैप दे दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और मैं यहाँ दोनों का जो है सेटिंग करके दिखाऊंगा आप लोगों के सामने, तो इस पेंसिल से और इस पेंसिल से कौन सा ज़्यादा स्मूथली ब्लेंड होता है वो हम देखेंगे। ये होगा, अब हम इस पेंसिल से करेंगे। मतलब इस पेंसिल से आपको क्या करना है, आपको जब आप स्किन टेक्सचर ड्रॉ करो तो ऐसा पे शार्प रखना है ताकि हम अच्छे से जो है पूरे एरिया में अच्छे से शेडिंग कर सकें, उसके बाद अच्छे से ब्लेंड कर सकें। तो उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस। तो ये इस तरह से हम इसलिए इस पेंसिल हमें शेडिंग नहीं करना चाहिए। बाकी आप जो है हेयर्स को ड्रॉ करो और इसे हम
इस तरह से स्मूथ टेक्सचर के लिए। तो यही था डिफरेंस, मैंने इसी के लिए आप लोगों को बता दिया कि कैसे हमें शेडिंग करना चाहिए, पेंसिल किस तरह से रखना चाहिए दोनों एच बी पेंसिल। तो इस वीडियो में आई होप आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद आप सभी को। तो नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ वो भी मुझे जरूर बताना। तो जय श्री राम सभी को, आप सभी का दिन जो है शुभ हो।